नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर अतुल। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में, जैसे कि आप देख रहे हो कैप्शन में है कि विरुद्ध आहार, हम इस वीडियो में विरुद्ध आहार के बारे में बात करेंगे, देखेंगे विरुद्ध आहार होता क्या है और उसके थोड़े उदाहरण के सहित हम जानेंगे क्या क्या खाने से वो विरुद्ध आहार बन जाता है। जी हाँ, हम खाते तो बहुत है, जैसे कि हम अलग अलग टाइप्स के फूड को ट्राई करते हैं, तो हम ये नहीं जानते कि क्या ये जो फूड हम खा रहे हैं हमारे शरीर को वो पुष्टि प्रदान करती है, क्या वो हमारे शरीर को बल प्रदान करती है, या जो हम खा रहे हैं उससे हमारे शरीर को कोई दोष या कोई बीमारी को उत्पन्न तो नहीं करती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो विरुद्ध आहार का जो कंसेप्ट हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, वो 18 टाइप्स के जो विरुद्ध आहार का वर्णन किया गया है, तो उस 18 टाइप्स में हम जब प्रैक्टिकली देखें, नहीं तो अभी के जो एरा है उसमें कौन कौन से अप्लीकेबल होते हैं जब देखें तो बहुत थोड़ा सा होता है। तो 18 टाइप्स के विरुद्ध आहार का वर्णन किया गया है। तो विरुद्ध आहार होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। देखो, हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें जो खाना है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जब इंडिविजुअली वो फल हो, खाना हो, पानी हो, कुछ भी हो, अगर हम इंडिविजुअली उसका सेवन कर रहे हैं तो हमारे शरीर को वो बल प्रदान करती है, हमारे शरीर को वो शक्ति प्रदान करती है, हमारे जो धातु होते हैं सप्त धातु जो है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र करके सप्त धातु आयुर्वेद में बताया गया है, तो उन धातुओं की पुष्टि होती है और उससे ही हमारे शरीर को बल प्रदान होता है। तो हम जब इंडिविजुअली फल को खाते हैं, आम्ल सहित जो फल होता है, नहीं तो मधुर रस के जो फल होते हैं, तो कोई भी रस का जो फल होता है अगर हम इंडिविजुअली उसको खाए, एक एक करके खाए, तो हमारे शरीर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता है। जब हम इसी फल को, नहीं तो इसी आहार को कोई अन्य आहार के साथ जब हम मिलाते हैं, तभी दो आहार, जो बोल सकते हैं कि दो विरुद्ध आहार, क्योंकि ये एक ए करके एक आहार है, ये बी है, जब वो एक खट्टा बन जाता है, हम जब उसको मिला लेते हैं, दोनों को जब हम उसको संयुक्त करते हैं, नहीं तो मिला के खाते हैं, एक साथ खाते हैं, तब वो दोनों क्या बन जाता है, विरुद्ध बन सकता है, विरुद्ध बन जाता है, और उसी से हमारे शरीर को बहुत से नुकसान पैदा करती है और रोगों को भी उत्पन्न करती है। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे आहार है जो हमारे शरीर को दोष पैदा करती है, बीमारियों को उत्पन्न करती है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो खाना खाने के बाद जो अक्सर हमें दिखाई देता है कि जब वो पार्टीज़ में जाते हैं, शादी के जो पार्टी हो, कोई भी पार्टी में जाते हैं, खाना खाने के बाद वो क्या करते हैं, चाय का सेवन करते हैं। जी हाँ, आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि चाय जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, और अगर हमने खाने में भी ऐसा कोई पदार्थ हमने खाया होगा तो वो क्या करता है कि ऑपोजिट रिएक्ट करता है, और शक्ति और बल प्रदान करने के बगैर वो क्या करता है, हमारे शरीर में रोगों का उत्पन्न करता है। तो खाना खाने के बाद आप चाय का सेवन बिल्कुल ना कीजिएगा। और जो घृत होता है, जो हनी के साथ जो होता है, शहद के साथ जो घृत का जो प्रयोग करते हैं, आप एक बात आपके मन में ज़रूर आप स्टोर कर दीजिएगा कि आप इक्वल क्वांटिटी ना लें। जो शहद होता है और जो घी होता है, जो घृत होता है, वो अनइक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए, कोई भी एक ज़्यादा होना चाहिए दूसरे से, तो आप खा सकते हो। अगर इक्वल क्वांटिटी में आप दोनों का प्रयोग कर रहे हो, वो भी विरुद्ध माना जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब जब पार्टी होती है तब वो खाने के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, उनके पास बहुत सारे खाने के ऑप्शंस होते हैं, 10-20 के ऑप्शन होते हैं, चाय लस्सी वस्सी करके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फल भी होता है जिसमें मिक्सड फ्रूट बोलते हैं, तो उधर क्या होता है कि खट्टा फल भी होता है, मधुर फल भी होता है, वो क्या करेंगे कि दोनों को एक साथ खा लेते हैं। खट्टा फल और जो मधुर फल होता है, दोनों अलग अलग रस होते हैं, एक वो आम्ल रस हो जाता है, एक मधुर रस हो जाता है, दोनों को एक साथ लेना भी विरुद्ध माना जाता है। अक्सर ये होता है कि पार्टीज़ में जब जब हम जाते हैं तो बहुत सारे खाने होते हैं, तो हम सब से थोड़ा थोड़ा करके ट्राई कर लेते हैं, तो उसके बगैर आप क्या कर सकते हो कि 2-3 में आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, 1-2-3 फ्रूम, ताकि हमारे शरीर भी, हमारे जो पेट भी फूल जाता है और
हमको हमारे शरीर को हमारे पेट को भी वो खाना पचने में पचाने में बहुत इजी रहता है। तो अगर जब हम विरुद्ध आहार का ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है कि जो पाचक अग्नि होता है जो हमारे शरीर के जो हम जो जो खाना खाते हैं उसको पचाने में जो मदद करती है जो पाचक अग्नि है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत सारा लोड ज़्यादा हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। देखो जैसे कि हुआ दही, हुआ दही और मांस का सेवन करते हो तब भी क्या है, दोनों गुरु नेचर है, दोनों हैवी नेचर होते हैं। तो हमारे शरीर को क्या होता है कि वो पचाने में बहुत देर लगती है, नहीं तो वो पचने में बहुत कठिन प्रयास होता है, तो वो पचता नहीं है और वो उधर इकट्ठा पड़े रहता है, अनडाइजेस्टेड करके पड़े रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जब भी हमारे शरीर में इकट्ठा पैदा होती है, इकट्ठा रहता है, तो उधर क्या होता है, आम जो होता है, आम का जो कंसेप्ट होता है वो पैदा होता है। और वही आम हमारे हर एक कोन में, हर एक संधिस में, नहीं तो जॉइंट्स में जाके जमा हो जाता है और उधर हमें रोगों का उत्पन्न भी कर देता है, जैसे कि संधियों में दर्द होता है, सूजन होती है और अन्य रोग का भी उत्पन्न इसी से होता है। हमारे आयुर्वेद में मुख्य रूप से हर एक रोग का जो बेसिक कॉज जो बताया गया है वो अग्निमांडी है। तो हमारे पेट से ही हर एक रोग जो होता है वो उत्पन्न होता है। तो अग्निमांडी वो डायरेक्टली क्या होता है कि हमारे पाचक अग्नि से रिलेट किया गया है। तो ऐसे थोड़े अभी विरुद्ध आहार का हम एग्जाम्पल बता देते हैं। पहले हमने बताया था कि जो दही और जो नॉनवेज है, जो मांस है, एक साथ नहीं लेना चाहिए। खाना खाने के बाद चाय का सेवन बिल्कुल ना कीजिएगा, और जो शहद है और जो घी होता है, जो घृत होता है, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ना लीजिएगा। अगर आप इक्वल क्वांटिटी में ले रहे हो तो उसको विरुद्ध माना जाता है। और इसी के साथ हमने बताया था कि खट्टा फल और मीठा फल आप दोनों को एक साथ ना लीजिएगा। अगर आप अलग अलग ले रहे हो तो वो चलता है, लेकिन जब इकट्ठा ले रहे हो तो वो विरुद्ध आहार के समान होता है, और विष रूप जो टॉक्सिन्स बोलते हैं उसके समान वो काम करता है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो पराठा होता है और दही के साथ लिया जाता है, पराठा और दही दोनों विरुद्ध आहार होते हैं, क्योंकि जब एक साथ लिया जाए उसको विरुद्ध आहार बताया जाता है, क्योंकि पराठा जो होता है वो भी एक हैवी फूड होता है और दही भी क्या है, एक हैवी माना जाता है। तो दोनों खाओगे तो हमारे शरीर के जो अग्नि होती है, पाचक अग्नि होती है, उसको बहुत सारा लोड ज़्यादा हो जाता है और वो पचने में भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर पराठा मैदा से बनाए तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे शरीर को वो क्या है, हानिकारक बन जाती है। और ऐसे ही एक विरुद्ध आहार का उदाहरण है दूध और दही। दूध और दही, जो दही होता है वो एसिडिक नेचर का होता है और दूध जो है वो अल्कालाइन होता है। तो दोनों के नेचर में ही वो क्या है, अलग अलग होते हैं। अगर आप दोनों का सेवन इकट्ठा करते हो तो वो भी एक विरुद्ध आहार के रूप से माना जाता है। और ऐसा भी है जैसे कि ठंडा और गर्म आहार जो है दोनों को इकट्ठा ना खाइएगा। और उसी के साथ जो प्यास होता है, और प्यास और दूध, प्यास जो होता है उसको एसिडिक माना जाता है और दूध क्या है, पहले हमने बताया था, वो अल्कलाइन नेचर का होता है। तो आप दोनों को इकट्ठा खा रहे हो तभी वो एक विरुद्ध आहार बताया जाता है। आप प्यास को दही के साथ खा सकते हो, क्योंकि जो प्यास है वो भी एसिडिक नेचर का है और जो दही है वो भी एसिडिक नेचर का है, तो उससे आपको कोई नुकसान हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ये थे हम थोड़े से उदाहरण हमारे जो विरुद्ध आहार के कंसेप्ट में जो आता है, और बहुत सारे उदाहरण है, हम आने वाले वीडियो में आपको ये बताएंगे। तो जो भी विरुद्ध आहार हम सेवन करते हैं हमारे शरीर के पाचक अग्नि को वो दूषित करता है, हमारे दोष को दूषित करता है, हमें धातुओं को दूषित करते हैं, और धातुओं के उत्पन्न जो अच्छे धातु हमारे जो सत्व बनता है हमारे खाने से उसको कम कर देती है, और हमारे शरीर को जो पोषक जो होता है वो कम हो जाता है, हमारे इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमारे शरीर में रोगों का उत्पन्न होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो पाचक अग्नि है उसको कम कर देती है, उससे ही हमारे शरीर में जो भी खाना अनडाइजेस्टेड पड़ा होता है उससे आम पैदा होता है, और उस आम के कारण भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम जानेंगे और भी बहुत जानकारी उदाहरण के साथ विरुद्ध आहार का,
तो अब बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा के एनेबल ऑन नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की हर एक लिंक आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद।